ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। तुला राशि वालों, आज 16 नवंबर दिन शनिवार, आपके जीवन में मिलने वाली खुशखबरी, होने वाली सफलता और आने वाली परेशानियों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आज ज्योतिष के अनुसार आप ऐसा क्या करें जिससे आपके जीवन में भी सफलता का सुभियोग बने और आप भी धन सुख और समृद्धि कमाएं। तो तुला राशि वालों, चलिए सबसे पहले हम आज का शुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र की दशा और आज का पंचांग देखते हैं। आज अघन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का नक्षत्र आद्रा और साध योग बन रहा है। आज का शुभ मुहूर्त 1:48 से 2:30 तक रहेगा, यानी दोपहर का 42 मिनट का जो समय होगा वो आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा वक्त होगा। आज का राहु काल सुबह 9:22 से 10:42 तक होगा। तुला राशि वालों, आज ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि आप दिन की शुरुआत पूरब दिशा की तरफ से ना करें। आज आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और आपका लक्की नंबर 6 होगा। तो तुला राशि वालों, आज सूर्य का उदय आपकी राशि के द्वितीय भाव में होगा, जबकि चंद्रमा का उदय आपकी राशि के 9वें भाव में होगा। आज अद्रा नक्षत्र और साथ योग पर आपकी राशि पर बुध और राहु का प्रबल प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी तुला राशि वालों, आज आप बुध और राहु ग्रह से प्रभावित रहेंगे। आज आप चंचल स्वभाव, अभिमानी, चतुर चालाक और कर्म में रुचि रखने वाले होंगे। राहु और चंद्रमा आज आपको जहां भाग्यशाली बनाएगा, वहीं बुध आपके कार्य कुशलता में दक्ष बनाएगा, यानी कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करें। आप देखेंगे आज आपके मन में थोड़ा चंचलता भरा रहेगा, थोड़ा आप अभिमानी भी होंगे, लेकिन चतुर और चालाकी आज आप में देखने को मिलेगी। जब आप सोच समझ कर कोई भी काम को करेंगे तो आप देखेंगे आपके काम में आपको सफलता मिल रही है और बिजनेस नौकरी में आप जरूर सफल होंगे, धन कमाने का योग भी बनेगा। चूंकि आज आप कठोर परिश्रम और अपने काम के प्रति पूरे जिम्मेवारी से काम करेंगे, आज धन लाभ का योग बनेगा, सफलता मिलेगी। पर आज स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण बढ़ेगा, पराई स्त्री और पराया धन आज आपको ज्यादा लुभाएगा, यानी आज आपकी स्वभाव में थोड़ा लोभ वाली भी स्थिति बनेगी। आज की परिस्थिति आपको आगे बढ़ाएगा, समय आज आपका परीक्षा लेगा। अगर आप धैर्य और अपने विवेक से काम करेंगे, यानी उसका जवाब देंगे, तो भविष्य में आप धनवान भी बनेंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। आज आप भविष्य के प्रति आशावादी होंगे। जिन तुला राशि वालों की उम्र 20 से 32 वर्ष के बीच है, उनके लिए यह समय अपने भविष्य को बनाने वाला होगा। उन्हें मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। जो नौकरी चाहते हैं, जो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर आप परिश्रम करें तो आज कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं होगा। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी आज बेहतर समय है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने टारगेट को पूरी जिम्मेवारी से अचीव करने का कोशिश करें, क्योंकि ग्रह नक्षत्र की स्थिति या परिस्थिति ऐसी बन रही है
कि आपको सफलता मिलना तय है। तुला राशि वालों, अगर आपकी उम्र 32 से 42 वर्ष है तो आप उन्नति के शिखर पर होंगे। अपने अहंकार और स्वाभिमान पर थोड़ा नियंत्रण रखें, अपने स्वार्थ पर भी थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल के कारण आज आपके अंदर थोड़ा महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी, थोड़ा लोभ भी बढ़ेगा। तो आज आप अपने मन को अपने काबू में रखें, लोभ ना करें और अपने काम को सही दिशा में अंजाम तक पहुंचाएं। आज आप धनवान और भाग्यशाली बनने का योग मिल रहा है। आज तुला राशि वालों, आपके लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में तालमेल बैठा कर चलें। आज शनिवार है, जिनके जीवन में थोड़ी बहुत समस्या है आज वो अद्रा नक्षत्र और साध योग में हनुमान जी के पूजा के साथ साथ महादेव की पूजा करें। आज हनुमान जी की पूजा आप पान के पत्तों पर सिंदूर से राम सीता राम लिखकर हनुमान जी को चढ़ाएं, साथ में बजरंग बाण का पाठ करें। आप देखेंगे आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानी दूर होगी और आपकी समस्या और बाधाओं का समाधान निकलेगा और आप जीवन में अच्छे धन भी कमाएंगे और जीवन सुख शांति दायक बीतेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे आज के दिन आपके जीवन में एक सुंदर योग बना रहा है। आज प्रमोशन और इंक्रीमेंट का भी योग बनेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में लक्ष्मी का कृपा बनेगी और आप धन भी ज़्यादा कमाएंगे, अपने परिश्रम से ज़्यादा धन कमाएंगे। यानी आज आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चलेगा। हमारे बताए हुए उपाय को आप जरूर करें, हनुमान जी की पूजा करें। आप देखेंगे आपके जीवन में भी सुख समृद्धि और सौभाग्य का योग बनेगा और आप भविष्य में भी अच्छे पैसा कमाएंगे और मान प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी। तुला राशि वालों, हम जो भी राशिफल बताते हैं, राशिफल देखने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम जानना चाहते हैं कि हमारे बताए हुए राशिफल आपके जीवन में कितने परसेंट सटीक होता है और राशिफल देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में किसी देवी देवता का नाम जरूर लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होगी और आप देखेंगे कि तुला राशि वालों, ग्रह नक्षत्र की दशा आपको उत्तम फल देने जा रही है। तो अपने भाग्यशाली उन्नति के प्रति आप अपने कर्म में लग जाएं, आलस का त्याग करें। आलस इंसान को कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देता। तो आप अपने आलस का त्याग करें और अपने भविष्य को सुंदर बनाएं। तो तुला राशि वालों, राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रोजाना राशिफल जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। हरिओम।